पिछले 18 सालों से अपनी मांग को लेकर लगातार कई मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई थी और ऐसे में कई कर्मचारी इससे वंचित हो गए थे और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज हेमंत कैबिनेट की बैठक थी और ऐसे में कई लोगों को यहाँ पर बड़ी सौगात मिली है। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड प्रदेश प्राथमिकी शिक्षक संघ के तमाम सदस्य इस वक्त प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद बात भी देते हुए नजर आ रहे। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो लड़ाई ये लोग लंबे समय से लड़ रहे थे आज वो समाप्त हो गई है, कितनी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जो लड़ाई आप लोग लंबे समय से लड़ रहे थे वो आप समाप्त हो गई है, कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मैडम कि हम लोगों ने 18 साल से ये लड़ाई लड़ी और आज वह हम लोगों का मतलब कि लड़ाई जो है उसका पूर्ण मतलब पूर्ण होती हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब क्या ना, वो अपने आकर के हम लोगों के साथ आकर के मिले और हम लोग को से अच्छी से अच्छा से बात किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 18 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे आज समाप्त हो गया, यहाँ पर आकर खुशी महसूस हो रही है क्योंकि पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। अभी इसके पहले 1500-1200 रुपया पेंशन उठाते थे लोग, जीपीएफ हेमंत सरकार लागू कर दिए तब हम लोग को पेंशन अच्छा मिलेगा। हम लोगों का भविष्य सिक्योर हो गया, हम लोग के साथ साथ हम लोग को बच्चों का भी, क्योंकि इतने वेतन मिलते थे अब उसे 1200 रुपये में क्या होगा पेंशन में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और भी महिलाएं उनसे भी बात करते, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे आज समाप्त हो गया आप लोगों का लड़ाई? हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसके लिए हम लोग बहुत संघर्ष किए। क्या आप लोगों का मामला था? मामला यही था मैडम कि 2000 नोटिफिकेशन था जिसमें हमारा मतलब कि 2004 के सबको मिल गया लेकिन हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। कारण हमारा 2005 में हम लोग ज्वाइन किए और वो 3 में ज्वाइन किए थे, बस यही केंद्र सरकार तो राज्य सरकार हम लोगों को देने का प्रयास कर रहा है। और भी कई लोगों से बात करें, कितनी बड़ी खुशी आज प्रोजेक्ट भवन में लगातार आप लोग नारे भी लगा रहे, दीपिका पांडे सिंह का भी आप लोग ने नारा लगाया, आखिर क्यों? क्योंकि जितना खुशी आज व्यक्त किया जाए हमको लगता है वो कम है, और भी मैंने ज़्यादा भी खुशी प्रकट किया जाएगा लेकिन आज का दिन वो कम ही नज़र आएगा। और हम लोग सिर्फ दीपिका पांडे ही नहीं, जितने भी झारखंड सरकार के मंत्रीगण हैं और हमारे जो पूर्व विधायक वगैरह जो थे और वर्तमान विधायक, उन लोगों ने भी साथ दिया, और खासकर जो भाकपा माले के विनोद सिंह सर हैं उन लोगों ने भी विधानसभा में असेंबली क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन के माध्यम से ये जंग जीतने का काम हुई। और आज सीएम जो माननीय शेरे झारखंड माननीय हेमंत सोरेन जी, इन्होंने वादा किया था कि हम पुरानी पेंशन देंगे और पुरानी पेंशन देने के साथ इन्होंने जो काम किया है ऐतिहासिक काम किया है, आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। खासकर शिक्षक संघ कर्मचारी संघ के जो संघर्ष का पन्ना है उसमें इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने हूबहू पेंशन देने का काम किया है। इससे जो निराशा थी हमारे शिक्षक बंधुओं कर्मचारी बंधुओं में कि 80% से 85% को ये सुविधा मिल रही थी और 15% जिससे वंचित थे, आज सभी हमारे साथी ये जो सेवानिवृत्त हैं हमारे साथी सच्चिदानंद साहू जी, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी खुशी है। मैम बहुत खुश हैं, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे आज कितने खुश हैं? आज तो हम लोग का नया नौकरी लगा है बुढ़ापा का, इस दिन का इंतजार था तो ये नौकरी बुढ़ापा का जो लाठी मिला है बहुत खुशी है। और हम लोग बहुत संघर्षशील रहे शुरू से और हक की लड़ाई लड़ रहे थे और ये विश्वास था कि एक न दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे। क्या लगता था बुढ़ापे में इतना बड़ा सौगात मिलेगा, सोचे थे कभी? नहीं सोचे तो थे, इसलिए कि हम लोग गलती से छूट गए थे, कहीं ना कहीं सरकार की गलती थी और सरकार ने केंद्र सरकार ने मानी इस बात को और उसने आदेश दिया स्टेट को कि आप भी इस तरह से कर सकते हो और उसके आधार पर हम लोग को आज यहाँ विजय मिली है। उसमें एक जिला में जो 7 जिलों में 2003 में जो बाबूलाल जी ने OBC आरक्षण खत्म किया था वो 10% में EWS में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में OBC को भी कंसिडर किया जाएगा और दूसरा डिग्री कॉलेज के जो लोग थे उनकी जो मांगे थी वो भी पूर्ण हुई। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो लोग नारेबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और आज हमारा लड़ाई जो है वो समाप्त हो गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई थी लेकिन कई कर्मचारी इससे वंचित थे और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार हमारी समस्या सुनी है और उसके बाद हल करने का सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है, जिसको लेकर तमाम जो कर्मचारी संघ कह सकते हैं या फिर शिक्षक संघ
तमाम लोग मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद भी दिए हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची।